हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस के बारे में। तो कमर्शियल बैंक के तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एजेंसी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की। तो ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन और क्रेडिट क्रिएशन। एक्सेप्ट डिपॉजिट के अंदर गाइस चार अकाउंट आते हैं, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स अकाउंट डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट। तो गाइस आपके लिए तो इतना ही चीज़ लिखना काफ़ी एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करेंट अकाउंट हम एक बिजनेसमैन यूज़ करता है, सेविंग अकाउंट जनरली कोई भी पीपल चाहे तो वो करता है, फिक्स्ड अकाउंट एक लंबे समय के लिए कोई भी पर्सन अगर पैसा डिपॉजिट करना चाहता है तो उसके लिए, रिकरिंग डिपॉजिट आप जनरली मंथली मंथली में कुछ कुछ 100 या 50 रुपये डिपॉजिट करते रहते अपने अकाउंट में। तो ये तो चीज़ हमने क्लास 11th वाले इसमें पढ़ के रखा है। आपको स्टिल एक डीप नॉलेज जाननी है इसके ऊपर तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं इसके बारे में, और इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल में बस आप इतना भी लिखेंगे एक्सेप्ट डिपॉजिट के ऊपर कि करेंट, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के लिए हेल्प करता है, तो एग्जाम्स के लिए काफ़ी है। अब एस बी है एडवांसिंग लोन्स। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, सबसे पहले आपको कैश क्रेडिट मतलब लोन देती है, कैश में लोन देती है। सेकेंड इसमें ओवरड्राफ्ट आपको देती है। गाइस अब ओवरड्राफ्ट क्या है, जितना भी बैंक अकाउंट में आपके पास डिपॉजिट रखा है उससे ज़्यादा जब आप विड्रॉ करते हो तो जो अमाउंट निकलती है उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। सपोज कीजिए कि 100 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में है, आपने 200 रुपीज़ बैंक से निकाल लिया, तो गाइस आपने रुपीज़ 100 एक्स्ट्रा निकाला। तो गाइस ये आपको कमर्शियल बैंक क्या करती है, एक्स्ट्रा पैसा आपको दे देती है। तो गाइस इस एक्स्ट्रा पैसे को इस मतलब 100 रुपीज़ आपके लिए क्या कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ठीक, तो ओवरड्राफ्ट कुछ नहीं होता है, जितना पैसा आपके पास होता है और अगर आपको उससे ज़्यादा पैसा निकालना है तो जितना पैसा आपने एक्स्ट्रा निकाला है तो बच्चों उस एक्स्ट्रा पैसे को हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और इसमें बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक, अब है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब अगर आपको 6 मंथ्स के कम समय के लिए लोन चाहिए तो शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हमारी जो कमर्शियल बैंक्स है ये क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब में क्या करती है कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट करती है। क्रेडिट क्रिएशन, तो गाइस क्रेडिट क्रिएशन हम अगली वीडियो में क्रेडिट क्रिएशन के बारे में एकदम डीप नॉलेज पढ़ेंगे। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो एग्जाम्स में सीधा 10 नंबर में आ जाता है। ठीक, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, अगली लेक्चर्स में हम इसे पूरा डीप में पढ़ेंगे और हम आपको पूरा समझाएंगे क्रेडिट क्रिएशन क्या है और किस तरीके से काम करता है, ये कैसे एक कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। अभी इस पे ध्यान मत दो। ठीक, अभी हो गया प्राइमरी, अब हम बढ़ते हैं एजेंसी केस में। तो एजेंसी फंक्शन क्या है, तो गाइस एजेंसी फंक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेमिटेंस ऑफ मनी। देखिए कमर्शियल बैंक क्या करता है, आपका पैसे को पेमेंट के लिए भी आपकी हेल्प करता है, अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उसके लिए भी वो हेल्प करता है। आप देखते होंगे अगर आपको किसी को पेमेंट करनी होगी तो कमर्शियल बैंक के ही से, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और आपको किसी को पेमेंट करना है आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, अगर मान लो किसी को आपके अकाउंट में पैसा डलवाना है तो वो भी क्या करेगा, कमर्शियल बैंक करता है। ठीक, तो आपकी जो भी पैसा है उसका पेमेंट करना है या फिर पेमेंट आपको रिसीव हो रही है तो वो काम क्या करता है, कमर्शियल बैंक करता है। वो क्या करता है, आपको अकाउंट टू अकाउंट फैसिलिटी देता है। ठीक है, मतलब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से एक्सिस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करना है पैसा तो आप इजिली कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ कमर्शियल बैंक। अब गाइस सेकंड पॉइंट है हमारे पास, कलेक्टिंग एंड मेकिंग पेमेंट फॉर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। अब गाइस देखिए अगर आपको किसी को चेक से पेमेंट करना है या फिर आपको पेमेंट मिलने वाली है, अगर आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट, अगर आपको लोन में पे करना है या फिर किसी का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, प्रॉफिट आपको किसी को देना है या प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, प्रीमियम और वैसे टैक्स अगर आपको किसी को देना है या फिर टैक्स आपको कुछ भी प्रकार से मिल सकता है, तो गाइस ये भी क्या करती है, कलेक्टिंग एंड मेकिंग पेमेंट फॉर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो गाइस ये सारे हमारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बैंक क्या करते हैं इसको कलेक्ट करने के लिए, इसकी पेमेंट करने के लिए आपकी हेल्प करती है। तो ये एक एजेंसी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। थर्ड है परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। हमने बताया सिक्योरिटी मतलब शेयर्स आता है, बॉन्ड्स आता है, डिबेंचर्स आता है। तो गाइस अगर आपको देखिए अगर आपको गाइस शेयर्स खरीदना है, शेयर्स खरीदोगे तो आपको पैसा लगेगा, पैसा आपके बैंक अकाउंट में है, तो गाइस शेयर्स खरीदने के लिए आप क्या करोगे, बैंक अपने बैंक अकाउंट से मतलब अपने बैंक से मांगोगे पैसा, तो बैंक क्या करेगा आपके लिए शेयर्स खरीद देगा। वैसे ही बच्चों आपको मान लो कि शेयर्स आपको बेचना है, अगर आपने शेयर्स बेचा आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिल के आप कहाँ करोगे, उसको बैंक में डालोगे, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है डायरेक्ट आपका जब भी शेयर्स को बेचते हैं तो वो पैसे को डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है। वैसे बॉन्ड्स के साथ भी है, वैसे डिबेंचर्स के साथ भी है। तो ये सारी परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी अगर आप करते हो तो उसका जो भी पैसा आता है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है या फिर बैंक अकाउंट से डायरेक्ट जाता है। तो ये एक काम कमर्शियल बैंक का होता है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। अब गाइस आपने बहुत सारी मूवीज या पिक्चर्स में देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो क्या करता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी या जमानत किसी के नाम पर कर देता है। मान लीजिए कि मैंने मान लीजिए कि ये ए पर्सन है, ठीक, ए पर्सन ने अपनी वाइफ को बोला कि भाई मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ, जिस दिन मैं मर जाऊँगा
उस दिन मेरी सारी प्रॉपर्टी और जायदाद तुम्हारे नाम पे आ जाएगी। तो गाइस ये जो काम होता है, ये काम किसका होता है? बैंकिंग का होता है, मतलब कमर्शियल बैंक का होता है। और इस बारे काम को हम कहते हैं ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, मतलब आफ्टर डेथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू हियर्स। हियर्स मतलब ऐसे पीपल होते हैं जिनको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं अपने डेथ के बाद। मतलब मान लीजिए कि मैंने बोला कि मेरा नाम है कुणाल, और आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अगर मैं बैंक से बोलूँगा, कमर्शियल बैंक से बोलूँगा कि भाई मेरे मरने के बाद आपको मेरी सारी प्रॉपर्टी और जायदाद मिल जाएगा, तो भाई जैसे ही मैं मर जाऊँगा तो आपको मेरी सारी जायदाद या प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो आप सभी क्या हो? हियर्स हो। नहीं तो हियर्स मतलब होपफुली आप समझ गए होंगे। तो ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का भी काम होता है कमर्शियल बैंक का। सेल्स एंड परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो गाइस, हाँ अगर मान लीजिए कोई और कंट्री का करेंसी हमारे पास आता है, या कोई और मतलब मान लीजिए अगर हम बेचते हैं अपना सामान ठीक बाहर की कंट्री में, तो बाहर की कंट्री हमें पैसा देगी। तो गाइस वो जो पैसा देगी वो कोई और करेंसी में होगा ठीक। और मान लो वैसे ही अगर मान लीजिए कि अगर आपकी कंट्री है और आपने कोई और कंट्री से सामान खरीदा है, तो आपको उनको पैसा करना पड़ेगा। तो आप जब उनको पैसा करोगे तो आपको उनके हिसाब की पेमेंट में देना पड़ेगा। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा झंझट है करेंसी के ऊपर। तो गाइस जब भी आपकी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो भी आप सेल या परचेस करते हो, तो वो भी काम कमर्शियल बैंक का होता है। वो आपके लिए करेंसी प्रोवाइड करके देती है। जैसे मान लो आपको US में डॉलर चाहिए आपकी करेंसी एज अ, तो आप कोई भी कमर्शियल बैंक जिसे RBI ने परमिशन दिया होगा, वही कमर्शियल बैंक आपको क्या कर सकती है? कोई भी और कंट्री का करेंसी आपको दे सकती है। जैसे मान लीजिए RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को परमिशन देके रखा है कि भाई जो भी व्यक्ति अगर तुमसे आके मांगेगा कि US की करेंसी दे दो, पाकिस्तान मतलब मान लीजिए कि और चाइना की करेंसी दे दो, या और कोई कंट्री की करेंसी दे दो, तो तुम उसे दे सकते हो, क्योंकि RBI ने इसे परमिशन देके रखा है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ओनली कमर्शियल बैंक्स कैन डू ओनली आफ्टर दे ग्रांटेड परमिशन फ्रॉम RBI। जब भी RBI कोई भी मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक को जब RBI से परमिशन मिलेगा, तभी वो क्या कर सकता है? ये वाले काम को कर सकता है। तो ये भी हमने एक फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है ठीक। तो गाइस ये हो गया एजेंसी फंक्शन। अब गाइस हमारे पास आखिरी है जनरल या फिर यूटिलिटी फंक्शन। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या है, कमर्शियल बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब जहाँ पे आप अपने पैसे को प्रोटेक्टेड रख सकते हो, सेफ रख सकते हो ठीक। तो इसके बदले हालांकि बैंक आपसे क्या करती है, पैसा चार्ज करती है। देखो गाइस कलयुग है, कोई भी बंदा आपको फ्री में तो कुछ चीज़ करके देगा नहीं। तो बैंक भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, तो उसके लिए वो आपको क्या करती है, कुछ चीज़ चार्ज करती है अमाउंट, जो कि बहुत नॉमिनल होती है ठीक है। बहुत सस्ता होता है जो आप बैंक को देते हो। इसलिए देते हो कि वो आपकी पैसे को ध्यान से रखती है, सेफ करके रखती है ठीक है, कि कोई भी चोरी वोरी ना हो पाए। तो ये लॉकर फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करके देती है। ट्रैवलर्स चेक। देखिए गाइस जब भी आप मान लीजिए कहीं भी फॉरेन कंट्री में या कहीं भी जा रहे हो ठीक, US चाइना कहीं भी, US चाइना जापान कहीं भी, तो गाइस कोई भी पर्सन के पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा पैसा अपने पास रखेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल $1 हमारा इंडिया के हिसाब से ₹70 होता है। तो गाइस मतलब ₹70 जब आप खर्चा करोगे, तब आपका $1 आपको मिलेगा। मतलब मान लीजिए अगर आपको US जाना है, तो गाइस आपको कितना सारा पैसा पकड़ के जाना पड़ेगा? तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है यार कि कितना सारा पैसा मैं पकड़ूंगा, मान लीजिए कहीं चोरी वोरी हो गया या कुछ हो गया। तो इसलिए क्या करती है कमर्शियल बैंक, आपको एक ट्रैवलर्स चेक इशू करके देती है। एक तरीके का चेक होता है जिसमें आपका नाम लिखा रहता है, कितना अमाउंट लिखा रहता है ठीक। अगर आप US जा रहे होते तो इसमें चेक में लिखा रहता है कि भाई इस बंदे को इतना इतना पैसा देना है करके, तो ये सारी चीज़ें लिखी रहती है। तो जैसे आप उस कंट्री में चले जाते हो, आपको वहाँ से पैसा मिल जाता है, तो फिर कहीं भी आपका चोरी होने का या फिर घूमने का केस नहीं होता है। तो एक तरीके का ये भी एक फंक्शन है, ट्रैवलर्स चेक आपको कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करके देती है जब भी आप बाहर की कंट्री में ट्रिप करने के लिए जाते हो। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, आपको पता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए हमें लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। हमें क्लास 9 इंटरनेशनल बिजनेस या फिर ट्रेड वाले चैप्टर में पढ़ के रखा है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है ठीक। तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये कमर्शियल बैंक क्या करती है, एक तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए वो हेल्प करती है कोई भी इंपोर्टर को देने के लिए। तो ये आपने पढ़ के रखा है। अब गाइस कलेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टेटिस्टिक्स। अब गाइस कमर्शियल बैंक क्या करती है, अपने बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन और स्टेटिस्टिक्स मतलब डाटा हो गया, ग्राफ हो गया, मतलब उन्हों कितना मार्केट में ग्रो हो रहे हैं और आना फलाना है, जो भी इंफॉर्मेशन है ये क्या करती है कमर्शियल बैंक कलेक्ट करके रखती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कि प्राइमरी हमने डिस्कस किया, एजेंसी भी डिस्कस किया, जनरल यूटिलिटी भी डिस्कस किया ठीक। तो इसी के साथ गाइस हमारा जो टॉपिक होता है ख़त्म होता है। हम हमेशा कहते हैं आपको हमारी PDF बुक डाउनलोड करनी हो कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में क्लिक करके, जहाँ पे आपको नोट्स क्वेश्चन आंसर हर वो चीज़ मिलेगी। व्हाट्सएप में भी आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में और वीडियो के बीच में भी पॉपआउट हो गया है। थैंक यू।